आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अकेले लोग सोशल मीडिया पर अपना साथी तलाशते हैं और दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन इसमें कई लोगों को सफलता मिल जाती है तो कई लोग धोखे का शिकार होना पड़ता है। इसी के एक बानगी नरसिंहपुर में देखने को मिली, जहां फेसबुक पर परवान चढ़े प्यार में एक युवती को धोखा मिला है। दरअसल नरसिंहपुर की एक युवती को मुराबाद के एक युवक द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई और फिर दोनों में धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और युवती द्वारा अपने परिजनों को पता कर विवाह तय किया गया और एक निश्चित तिथि को फरवरी माह में हिंदू रीति रिवाज से विवाह भी हुआ। लेकिन विवाह के बाद जैसे ही विवाहित युवती ने अपनी शादी के फोटोग्राफ्स फेसबुक पर अपलोड किए तो युवक की असलियत का पर्दाफाश हो गया। युवक पहले से ही शादीशुदा और दो बच्चों का पिता निकला। इसके बाद युवती ने नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत की है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है। मैम के लिए महिला, जो महिला थाने की मैडम है शिव कुमारी, उनके उसमें हमने संबंध लिया, मतलब हम FIR कराने गए थे तो उनने बहुत गलत तरीके से बात करी हमसे। हम तो वैसे ही दुखी हैं, अगर हम आपके यहाँ जा रहे हैं हमें कोई शौक तो नहीं लग रहा थाने में आके अपनी इज्जत बेइज्जत कराने से। जब हम हमारे साथ मतलब धोखाधड़ी हुई है, शादी हमने फेसबुक से एक लड़के से शादी करी पूरी रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से, वो लड़का शादीशुदा और उसके दो बच्चे हैं पहले से। हाँ, पहले से वो शादीशुदा, मतलब वो घर आया था, मम्मी पापा ने, हमारी अरेंज मैरिज हुई, लव प्लस अरेंज मैरिज हुई है। किसी ने भी कुछ बताया ही नहीं उनके परिवार में, मम्मी तो हमारी घर भी देखने गई थी, सब बात हुई थी, नहीं कोई भी बात नहीं हुई। उनके परिवार के लोग मिले थे आपको शादी? हाँ, पहले हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। अब तो न्याय चाहते हैं, वो लड़के को लेके आए, उसको जो भी कानूनी कार्यवाही है वो करी जाए उसके ऊपर, वो बस न्याय। लड़का उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश जी। और आप? मैं MP नरसिंहपुर। अभी तो उसकी वाइफ आ गई है घर पे, तो वो तो नहीं रखने को भी मना कर रहा है कि हम नहीं रखेंगे, अब हम कैसे रखेंगे, वो तुम्हें मार डाले, हमें मार रहा। तो ये पहले सोचना था उसको, शादी करने से पहले सोचना था कि हम शादी कर तो रहे हैं, अगर वो लड़की जो हमारी बीबी आ जाएगी तो लड़की कहाँ जाएगी। हमने सोशल मीडिया में फोटो अपलोड करी है तो सबको पता चला कि लड़का, उनने वहाँ के गाँव उनके लोगों जो गाँव के लोगों ने उनने हमको बताया कि बेटा ये शादीशुदा है, इसके दो बच्चे हैं, इसने आपको बताया नहीं? मैंने कि नहीं, हमको नहीं बताया, बताता तो हम क्यों शादी करते। शादी कहाँ से हुई आप? यहीं से हुई, नरसिंहपुर से बेपतपुरा, पवन मैरिज हॉल से, घर से शादी हुई हमारी। फोटो वगैरह है जी? पूरी है, पूरी रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, मम्मी पापा की मर्जी से शादी हुई। हमने लव मैरिज करी है लेकिन हम उस लड़के से कभी नहीं मिले। जब वो हमने उसने शादी का हमसे बोला तो वो आया बकायदा, मम्मी पापा ने बात करी, हमारी मम्मी देखने गई, भैया देखने गए और एक लेडीज और थी, बुआ, हम बुआ का मुंह बोली बुआ मानते, वो देखने गई थी। हालांकि युवती के मुताबिक शादी के पूर्व युवक के परिजन और युवती के परिजन आपस में भी मिले, लेकिन उनके द्वारा पूर्वी की शादी का जिक्र नहीं किया गया और धोखे में रखकर उसके साथ विवाह किया गया और अब वह इंसाफ की गुहार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। इसमें इन लोगों का शादी के बाद जो है, जब इसकी प्रताड़ना इसके साथ की गई तो इसने यहाँ पे हमारे यहाँ पर महिला थाने में इसकी FIR हुई थी और उसमें आरोपी को ऊपर चार्जशीट भी कर दी गई है और अभी ये प्रकरण जो है माननीय न्यायालय के संज्ञान में। बहरहाल देखना होगा कि पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है।